सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, प्रोटीन को लेके बहुत ही कंफ्यूजन और भ्रम हमारे समाज में है, स्पेशली गठिया के मरीजों के लिए। बहुत सारे गठिया मरीज प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि प्रोटीन लेने से गठिया बढ़ सकती है। तो क्या सच है, साइंस क्या कहता है, रिसर्च एविडेंस क्या है कि क्या प्रोटीन ज़्यादा खाने से गठिया बढ़ जाता है, क्या प्रोटीन कम लेने से गठिया ठीक रहता है। तो आज मैं डॉक्टर राजीव रंजन, एक अर्थराइटिस एक्सपर्ट हूँ मैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि प्रोटीन और गठिया का क्या रिलेशनशिप है। सो जैसा कि प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे कि स्किन हुआ, हेयर हुआ, नेल हुआ, या फिर कार्टिलेज हुआ, बोन हुआ, मसल हुआ, ये बहुत ही प्रोटीन जो कंपोनेंट होता है बहुत ज़रूरी होता है इन सभी चीज़ों के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे कि घर बनाने में एक ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। सो प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे गठिया मरीज जब उनकी बीमारी बढ़ती है तो प्रोटीन लॉस होने लगता है, उनके शरीर से प्रोटीन टूटने लगता है और उनके मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। और ये प्रोटीन इनटेक खासकर जो गठिया मरीज होते हैं वो कम कर देते हैं, तो और ज़्यादा कमी प्रोटीन की बॉडी में हो जाती है। सो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जो भी रिसर्च और एविडेंस और साइंस देखे गए हैं, इसमें कभी भी कोई एसोसिएशन नहीं देखा गया है कि आप प्रोटीन अगर लेंगे तो आपकी गठिया बढ़ेगी। सो कौन कौन से प्रोटीन आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोटीन गठिया मरीजों के लिए अच्छा होता है, ले सकते हैं। सो गठिया मरीजों के लिए जो प्रोटीन देखा गया है वो है वेजिटेबल प्रोटीन्स, जैसे कि दाल हो गया, चना हो गया, स्प्राउट हो गया, टोफू हो गया, ये सब काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। साथ साथ में एग प्रोटीन भी गठिया मरीजों के लिए अच्छा देखा गया है, और साथ साथ फिश प्रोटीन, खासकर सालमन और टूना फिश, ये देखा गया कि गठिया मरीजों के लिए बेनिफिशियल होते हैं और फ़ायदेमंद होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन गठिया मरीजों को नहीं लेना चाहिए, जिसमें से देखा गया है कि लाल मांस, प्रोसेस्ड मीट और चिकन वाले प्रोटीन उतने अच्छे नहीं देखे गए हैं। सो इन प्रोटीन को कम लेना चाहिए। सो प्रोटीन लेना चाहिए, गठिया मरीजों को जरूरी लेना चाहिए, इससे मसल स्ट्रेंथ बनती है, बोन की स्ट्रेंथ बनती है, कार्टिलेज का स्ट्रेंथ बनता है, और स्किन खासकर चमड़े में हेयर जो हमारा बाल है और नाखून है उसके लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। कितना लेना चाहिए, देखा गया कि आपका अगर वजन 60 केजी है तो आप 60 ग्राम प्रोटीन डेली ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेने से होता क्या है कि ये प्रोटीन फैट में कन्वर्ट होने लगता है और आपका फैट कंटेंट बॉडी का बढ़ सकता है। अगला जो हम देखते हैं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसका नाम सी रिएक्टिव प्रोटीन है, और गठिया मरीजों में जो इन्फ्लामेशन और गठिया का सूजन जब होता है तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन शरीर से बनने लगता है ज़्यादा, और सीआरपी आपका बहुत हाई आता है। सो लोगों को लगता है कि ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये हम जो खाना में प्रोटीन लेते हैं उससे बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीआरपी के बारे में मैंने एक अच्छे से अलग वीडियो बनाया है और उसमें समझाया है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन कैसे बनता है, लेकिन सी रिएक्टिव प्रोटीन खाने वाले प्रोटीन से बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। तो उसको लेके आप खाने के प्रोटीन में कमी ना करें। आपका सीआरपी बढ़ा है तो इसका मतलब नहीं है कि आपको खाने का प्रोटीन बंद करना है। सो आशा करता हूँ कि प्रोटीन को लेके जो गठिया मरीजों के बीच में कन्फ्यूजन है, जो अर्थराइटिस के मरीजों के बीच में प्रोटीन खाने को लेके कन्फ्यूजन है, इस वीडियो में क्लियर हुआ है। कोई भी रिसर्च में, कोई भी साइंस में ये नहीं देखा गया कि प्रोटीन लेने से आपकी गठिया बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ प्रोटीन जैसे कि डेयरी में प्रोटीन जो होता है केजीन, कुछ कुछ लोगों को अर्थराइटिस गठिया का दर्द बढ़ सकता है। तो अगर ऐसा है कि मिल्क प्रोडक्ट लेने से आपका गठिया बढ़ता है तो उसमें कमी कर सकते हैं, पूरा बंद करना भी ठीक नहीं है। दूसरा देखा गया ग्लूटेन प्रोटीन, कुछ कुछ फूड्स में ग्लूटेन प्रोटीन होता है, तो अगर वो भी लेने से आपका गठिया बढ़ता है तो उसमें कमी कर सकते हैं, पूरा बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो अगर ये वीडियो प्रोटीन के बारे में आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में जितने भी फैक्ट्स होते हैं, साइंस होते हैं, मैं बताते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।